जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाहपावितस्थले गलेवलं व्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट् 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 निनादबड्डवर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवाशिव। इस महान शिव तांडव स्त्रोत्र के रचयिता सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के पौत्र और विश्रवा ऋषि के पुत्र महान शास्त्रों के ज्ञाता असीम धनाढ्यता के स्वामी महान पंडित और महापराक्रमी महाप्रतापी योद्धा रावण रामायण जैसे महान इतिहास के एक जाने माने और बहुत ही प्रमुख किरदार है। और आज जिस जगह पर हम खड़े हैं इस स्थान को रावण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। हम अभी हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के एक बिसरक गांव में जहां पर दशहरे के दिन राम और रावण के युद्ध पर राम की जीत का पर्व नहीं मनाया जाता है अपितु यहां पर रावण की पूजा की जाती है। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर की ओर जिसे रावण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर मान्यता ये है कि इस मंदिर की स्थापना विश्रवा ऋषि ने स्वयं की थी और लंकापति रावण ने भी इस मंदिर के अंदर यहाँ के अष्टभुज शिवलिंग की पूजा की है। तो चलिए इस मंदिर का एक नज़ारा देखते हैं। पूरे भारतवर्ष का इकलौता शिवलिंग है। इसकी रावण के पिता ऋषि विश्वेश्वरा ने तपस्या की थी। ये रावण का जन्म स्थान है। रावण इसी शिवलिंग की पूजा किया करते थे अष्टभुजा शिवलिंग की। रावण के पिता का नाम था विश्वेश्वरा। उन्हीं के नाम से इसका नाम विश्वेश्वरा से बिसरक नाम पड़ा। मेरा नाम सुशील तिवारी है। मैं यहाँ पे गौ सेवा कर रहे हैं। मुझे 15-16 साल हो गए यहाँ पर निवास करते करते। जैसे बड़े बड़े लोग आते रहते हैं मरने को, बड़े बूढ़े लोगों के, तो मैंने 15-16 साल का अनुभव किया है। तो ये पूरे भारतवर्ष का इकलौता शिवलिंग है। इसकी चंद्रा स्वामी जो महान तांत्रिक थे उन्होंने खुदाई कराई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वो भी यहीं पर आए थे पूजा करने के लिए। ठीक है, ये रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्वेश्वरा। विश्वेश्वरा से इस गांव का नाम बिसरक नाम पड़ा है। और यहाँ पे रावण का पुतला नहीं जलाते हैं क्योंकि रावण को शोक मनाते हैं। आज के दिन यहाँ शोक मनाएंगे। और अब जो नवयुवक जो पीढ़ी है अब उतना नहीं मनाती है, जो पुराने हैं वो आज भी मनाते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे अगर कोई रावण का पुतला जलाता है तो उसके कुछ दिन बाद या कुछ गलत हो जाता है उनके साथ में। जैसे कुछ लोगों ने नई युवक पीढ़ी ने नहीं माना, रामलीला वगैरह करी, रावण का वध किया, तो कुछ ना कुछ घटना घटित हुई और अब यहाँ पे नहीं होती है। और हालांकि सभी को मानते हैं, जितने देवी देवता हैं, भगवान को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। सारी देवी देवताओं की यहाँ तस्वीर मूर्तियाँ भी लगी हैं, सबकी पूजा भी होती है। पर रावण को विशेष तौर पर अपना पुरोहित मानते हैं, पूर्वज मानते हैं और अपना बेटा करके मानते हैं। यहाँ के जो बड़े बूढ़े लोग हैं तो यहाँ के विद्वान था, पंडित था रावण, ऐसा कोई गलत नहीं था। माँ सीता से उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया और अगर लगाता तो अशोक वाटिका में क्यों लेके जाता है। तो ये शिवलिंग जमीन के नीचे भी, हमने सुना है कि जमीन के नीचे भी कुछ, ये स्वयंभू है, नीचे तक है। कितना गहरा होगा नीचे तक इसका? तो कोई अभी तक अंत ही नहीं मिला। जब चंद्रा स्वामी ने खुदाई जहाँ तक कराई और गांव के लोगों ने भी इसका किया तो उसका कोई नीचे तक कोई अंत नहीं मिला। और नीचे से यहीं से गुफा थी, यहीं से रावण पूजा करने के बाद दूधेश्वर मंदिर को जाया करते थे जो कि लालपुरा गाजियाबाद के पास है। ये जो गेट जो बना था ये बहुत पुराना गेट है, 2013 में इस पर पुनः लेप किया गया था। तो यहाँ पर किस किस की आरती बनी है यहाँ पे? ये रावण की है, वो रावण के पिताजी हैं, वो गणेश जी हैं। और ये जो द्वारपाल है लेफ्ट साइड में, ये रावण की माँ, ये रावण की माता जी की है। हाँ, माँ माँ थी गेट जी। और ये पिता ऋषि विश्वेश्वरा। और बड़ी भी मूर्ति रखी हुई है, उनका नाम भी नीचे लिखा हुआ है, उनका नंबर भी। हाँ बिल्कुल। तो यही गांव में घूमते हुए हमें ये कुछ बच्चे मिले हैं जो इस गांव के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। तो चलिए इनसे सुनते हैं ये क्या बता रहे हैं हमें। हम बिसरक गांव के रहने वाले हैं, मेरा नाम अजय है। और यहां के लोग जो अपनी बाइकों पे हम रावण भी लिखवाते हैं। और यहां पर दशहरा वाले दिन से पूजा होती है लेकिन नहीं मनाया जाता, रामलीला नहीं मनाया। काफ़ी समय पहले किसी ने जलाया था तो फसल में काफ़ी नुकसान हुआ था, तो बताते हैं इसलिए नहीं मनाया जाता। ये ऋषि विश्वेश्वरा की तपोभूमि है, रावण की जन्मभूमि है। दूसरा, इस
जैसे शिवलिंग इस गांव यहां पे है ये एक, ऐसे शिवलिंग गांव में चार पांच जगह और भी हैं। और रही कहने की बात ये, इसमें शिवलिंग और भी थे जो शिवलिंग यहां से लोग बाग इधर उधर ले गए। और कहने का मतलब, और आप क्या पूछना चाहते हैं, ये सन 84 में खुदवा दिया गया मंदिर के चारों तरफ से, शिवलिंग के चारों तरफ तीन तीन चार चार फुट से ज़मीन छोड़ करके इसको खुदवा दिया गया। जब इसको खुदवा दिया गया 84 में और ये 86 में शिव मंदिर गांव ने बनाना शुरू किया, 87 में एक मंदिर बन करके तैयार हो गया। तो बाबा जी, इसमें जैसे हमने सुना था कि जब ये शिवलिंग के आसपास खुदाई कराई गई तो कुछ सोना चांदी भी कुछ निकला नीचे से, ऐसा कुछ था? देखिए ये सब मिथ्या है, ये जो बोलते हैं लोग बाग, ना सोना निकला ना चांदी निकली। यानी सोना चांदी यहाँ निकलता तो इस ठेक का मालिक गवर्नमेंट हो जाता, क्योंकि ये मंदिर ही पुरातत्व विभाग में है। तो ये था रावण की जन्मभूमि बिस्तर का एक छोटा सा ब्लॉग। आप अपने इलाके में आज दशहरे को कैसे मना रहे हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको ही करना है।